दूसरे को अपने ही विनाश का कारण बनते देर नहीं लगती। इस तरह तुम्हें अपनी शक्तियाँ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जब तक सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाता, तुम्हें अपने गुस्से को शांत रखना होगा। सुना? आखिर कब तक मैं यहाँ ऐसे पड़ी रहूंगी और वो राधिका वहाँ आजाद घूमेगी? मुझ पर यकीन रखो, मैंने उस राधिका और इच्छाधारी नागिन के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि वो इच्छाधारी नागिन और राधिका कहीं नहीं जा सकती। उस नागिन का पता चल जाएगा, बस ना रहेगी वो नागिन पर ना रहेगी वो राधिका। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बुआ जी, इतनी आसानी से आपकी जान नहीं जाने वाली। अब हम सब मिलकर उस इच्छाधारी नागिन को ढूंढेंगे। सब मिलकर हे काली शक्तियों, मेरी मदद करो। कमाल है, देखा हवा में तैरता हुआ नींबू, और टैलेंट है भाई, टैलेंट है, तू कर सकती है ऐसा। वैसे मैडम जी, ये नींबू आपने किस लिए मंगाया? अरे मैं समझ गया, आप हमको जंग पे जाने से पहले ना शक्ति देना चाहती है नींबू पानी की। तूने कभी मेरे को सादा पानी भी पूछा है? देखा, इसको कहते हैं बंदी। अपने बंदे को काम पे भेजने से पहले उसको नींबू की शक्ति देना चाहती है, नींबू पानी पिला के भेजेगी। वैसे मैडम जी, ये आपने तकलीफ क्यों की? आप डायरेक्ट नींबू पानी भी मंगा सकते थे। आजकल तो बाजार में मिलता है बोतल वाला 10 रुपये का। अब ये नींबू हमें वहां ले जाएगा जहां वो नागिन छुपी है। कोशिश करो राधिका, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। पहले ही दिन मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया और इसकी सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। क्या हुआ डार्लिंग, तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं यहां कभी आई हूं। मुझे तो इस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं। नफरत करता मैं तुमसे। मैं तो वो कर भी नहीं सकता जो मेरा दिल कह रहा है। राधिका, हम दोनों साथ तो हैं, लेकिन ट्रेन की दो पटरियों की तरह। बट यू नो व्हाट, डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाए। फिर चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। काली शक्तियों, बताओ मुझे, उस इच्छाधारी नागिन का ठिकाना कहां है? ये क्या हो गया? ये नींबू को तो घर के बाहर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो घर के अंदर चला गया। मैं तो कहता हूं मैडम जी, मेरे को लगता है इसका ना जीपीएस खराब हो गया। आप इसको ना एक बार रीस्टार्ट करके देखो। मेरी जादुई शक्तियां मुझे धोखा नहीं देगी। इसका मतलब नागिन घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही है।